स्वास्थ्य सुंदर बाल पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कई बार इसमें महीने लग सकते हैं या फिर कभी कभी कह लो कि इसमें साल भी लग सकते हैं। अगर आप महीनों भर का वेट कर सकते हैं, साल भर का वेट कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जो आपका सपना है कि आपके बाल सुंदर बने, हेल्दी बने, इसे आप अचीव करने में सफल हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आपके इस सपने को पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आज की रेमेडी के बेनिफिट क्या है, आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेगी, पतले बालों को मोटा बनाएगी, आपके बालों की रीग्रोथ करेगी, आपके बालों पे स्कैल्प पे जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, उसको ट्रीट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एज यूजुअल सारे बेसिक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम डालने वाले हैं जो डेफिनेटली आपके पास होंगे ही होंगे। ज़्यादा बातें नहीं, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना है। वीडियो फिर हम कुछ ऐसे हर्ब्स का यूज करने वाले हैं जो मैजिकली तरीके से आपके बालों पे काम करेंगी, और जो वॉटरी फॉर्म रेमेडीज होती हैं वो बड़े इजीली से आपकी स्किन में, आपकी स्कैल्प पे पेनिट्रेट हो जाती हैं, अंदर तक जाती हैं, और उसका ज्यादा बेनिफिट आपके बालों को मिलता है। पहले आपके हर्ब्स होने वाली है आलू, जो ऑफकोर्स आपके किचन में पड़ा होगा। नेक्स्ट है आंवला। आंवला सर्दियां हैं और बड़ी आसानी से आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। मेरे पास ये देसी आंवला है, इससे एक दूसरे टाइप का आंवला आता है, थोड़ा बड़ा और गोल। आप किसी भी तरह का आंवला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंस आंवला नहीं है तो आप पाउडर का यूज कर सकते हैं, या फिर जो पतंजलि से जूस आता है ना बोतल में भर के आंवला जूस, उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले आपके उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, कहीं उसके अंदर कोई और अदर प्रिजर्वेटिव तो नहीं डाला गया है, उसे आपको जरूर रीड करना है। मतलब प्योर आंवला जूस आपको लेना है। तो हम इसकी रेमेडी बनाएंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, लेना है एक खाली बाउल, एक छोटा सा कद्दू क्रस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जूस, ओके। इसको क्रस करके आपको दो चम्मच आंवला जूस लेना है, और एक अगर आप बड़ा आंवला ले रहे हैं तो एक काफ़ी है, क्योंकि एक में दो चम्मच जूस निकल जाएगा। मैं यहाँ पे दो यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे दो चम्मच जूस ऑफकोर्स चाहिए अपने वालों के लिए। आप इसकी क्वांटिटी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। आंवला आपको हर रेमेडी, हर शैम्पू, हर ऑयल में मिलेगा, क्योंकि आंवला वो पहली हर्ब्स है जिसका यूज करके बालों को लंबा, घना, काला बनाया गया था, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको लेना है, सब्जी स्टोर पे या फिर फ्रूट स्टोर पे आपको आंवला मिल जाएगा। तो मैंने दोनों आंवलों को क्रश कर लिया है, और आप देख सकते हैं लगभग दो चम्मच जूस इसमें से निकल आएगा। फिर आपको लेना है आलू, इसको पील ऑफ नहीं करना है, छिलके के समेत हम इसका जूस निकालेंगे। आलू के अंदर स्टार्च होता है जो आपके, बहुत सारी लड़कियां पता है क्या बोलती हैं कि कहीं हमारे बालों को ये ग्रे तो नहीं बना देगा, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये स्किन पे कुछ अलग तरह का काम करता है और आपके बालों पे कुछ अलग तरह का काम करता है। ये आपके बालों को काला भी बनाता है, और अगर आपके बाल पतले हैं तो उनको भी मोटा बनाने का काम करता है। तो सिर्फ इतना साइज चाहिए है। अब मैं इसको छान के इसका जूस निकाल लूंगी। तो जूस हमारा निकल चुका है, चार बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया है। फिर आपको लेना है आलमंड ऑयल। आप इस रेमेडी के साथ आलमंड ऑयल का ही यूज करेंगे, लगभग एक चम्मच के करीब आपको आलमंड ऑयल डाल देना है। अगर आप इस रेमेडी को आलमंड ऑयल के साथ लगाते हैं ना, तो आपके बालों में स्मूथनेस आएगी, आपके बालों में चमक आएगी, आपके बालों में वॉल्यूम आएगी। वैसे तो आप इसके अंदर और ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आलमंड ऑयल के साथ लगा लेते हैं तो उसका ब्लेंड इसके साथ बहुत अच्छे से जाता है और बहुत अच्छे से आपके बालों पे वर्क करता है। तो आप इस रेमेडी को ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जिन लड़कियों की स्कैल्प पे लीक है, जुए हैं, डेंड्रफ है, इचीनेस है, अच्छे से स्कैल्प क्लीन नहीं होती है, पोल्यूशन ज्यादा है जहाँ पे आप रहते हैं, तो आपको इसके अंदर डालना है एप्पल साइडर विनेगर, सिर्फ 10 ड्रॉप, ज्यादा आपको नहीं डालना है, सिर्फ 10 ड्रॉप आपको डालनी है, और ये आपकी मैजिकल पावरफुल रेमेडी बनके तैयार है, जिसे आप अपने बालों पे लगा सकते हैं, बेझिझक होके लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ये रेमेडी आपके बालों में वो मैजिक कर देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका ब्लेंड आपके बालों पे अच्छे से जाएगा, अच्छे से आपके बालों पे वर्क करेगा। तो चलिए फिर जल्दी सी देख लेते हैं कि आपको इसे कैसे लगाना है अपने हेयर्स पे।
तो ये रेमेडी आपको कैसे लगानी है, आपको रात में लगा के इसको सोना है। आप इसके साथ शैम्पू ऐड करके भी लगा सकते हैं। अगर आप शैम्पू ऐड करके लगा रहे हैं तो आप इसके अंदर ऑयल नहीं डालेंगे। जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, ड्राई हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है नियम कि आपको ऐसे इसको लगाना है, ऐसे इसको लगाना है। जैसे मर्जी आप चाहें आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्टोर करके बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। आपको इसे फ्रेश बनाना पड़ेगा और फ्रेश ही लगाना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए भी आप इसको बना के नहीं छोड़ सकते हैं। तुरंत के तुरंत बनाइएगा, लगाइएगा, हेयर रूट्स पे लगाइएगा, हेयर लेंथ पे लगाइएगा। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर देना है और विद इन 1 वीक के अंदर आपको आपके बालों पे रिजल्ट, विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। कुछ ना कुछ तो आपकी जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है वो आपको ट्रीट हुई मिलेंगी इस रेमेडी को लगाने से। तो फ्रेंड्स इसे जरूर यूज करना है। जो भी आपका फीडबैक होता है वो मेरे साथ शेयर करना है। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ कि ऐसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए वो पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। बाय बाय।